नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से बड़ी छापेमारी की है। एक बार फिर से स्कूल में धावा बोला है और जानते हैं इस बार स्कूल में जब के पाठक पहुंचते हैं तो क्या क्या होता है, हम आपको बताएंगे और आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि के पाठक कितनी कड़ाई से स्कूलों में सबसे नियम पालन करवा रहे हैं और किस प्रकार शिक्षकों पर गाज गिर रही है जरा सी गलती पर। देखिए, के पाठक ने स्कूल में एक बार फिर से धावा बोला है और ये जो खबर है वैशाली से है, जहां पर एक बार फिर से के पाठक निरीक्षण करने पहुंच गए और इस दौरान के पाठक को देख करके शिक्षकों में हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद एक मोटे शिक्षक को, जो मोटापा के शिकार थे, उन्हें के पाठक ने खूब हड़काया है, हेडमास्टर साहब को सस्पेंड किया है, शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया है। लेकिन क्यों ये सब हुआ है और किस प्रकार के पाठक ने वैशाली के स्कूल में छापेमारी की है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको पता है कि के पाठक इन दिनों लगातार एक्शन में है और अपने एक्शन के कारण ही फिलहाल सुर्खियों में है। इसकी वजह है सरकारी स्कूल और कॉलेजों में हो रहा उनका औचक निरीक्षण। के पाठक ने एक बार फिर से स्कूलों का इंस्पेक्शन किया है और के पाठक अचानक विद्यालय का निरीक्षण करने वैशाली पहुंच जाते हैं। यहां हाजीपुर और राजापाकर प्रखंड के कुल 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान खेलकूद वाले स्टॉक रूम को खुलवा कर देखा तो स्पोर्ट्स के सामान बिखरे पड़े थे और इसे लेकर शिक्षक और प्रिंसिपल की उन्होंने जमकर क्लास लगाई। विद्यालय के स्पोर्ट स्टॉक में रूम में विद्यालय के प्रिंसिपल खेलकूद के सामान को के पाठक को दिखा रहे थे, जबकि बगल में एक मोटे शिक्षक खड़ा होकर इस घटना को देख रहे थे। इस दौरान के पाठक का गुस्सा फूट पड़ा उस मोटे शिक्षक को देख करके और उन्होंने साफ कहा, इडियट, तुम खड़े हो और प्रिंसिपल ये काम कर रहे हैं। मोटापा से बिफर गए के पाठक। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। बिहार के इस कड़क आईएएस ने कहा कि हाथी की तरह मोटा हो गया है इडियट, प्रिंसिपल काम कर रहा है और तुम खड़ा हो, जल्दी जाओ और सामान बाहर लाओ। देखिए, यह मामला हाजीपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंधुआरी की है, जहां अचानक के पाठक शिक्षा के हालात का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। हाजीपुर के सुभाई मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल को के पाठक ने वर्ग संचालन मानक के अनुरूप नहीं होने पर निलंबित किया है, यानी सस्पेंड किया है। इसके बाद के पाठक प्राथमिक विद्यालय रजौली भी पहुंचे, जहां शिक्षक 5 थे लेकिन नामांकित बच्चे 80 ही थे, जिस पर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी शिक्षकों का वेतन जो है वो बंद कर दिया। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से वैशाली के कई स्कूलों में के पाठक ने धमक दी है, के पाठक ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में के पाठक ने कईयों पर गाज गिराई है। इसमें कई शिक्षक हैं और हेडमास्टर साहब भी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। तो देखिए, वही एक स्कूल में जब के पाठक पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए तो वहां प्रिंसिपल साहब कुछ कर रहे होते हैं के पाठक के निर्देश पर, लेकिन वहां बगल में एक मोटे शिक्षक जो हैवी वेट वाले होते हैं, मोटापा के शिकार होते हैं, उन्हें फटकार लगाई और कह दिया कि इडियट, प्रिंसिपल काम कर रहा है और तुम खड़ा होकर हाथी की तरह देख रहा है। तो इस अंदाज से के पाठक खड़का रहे हैं, इस अंदाज से शिक्षकों को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि के पाठक की ये कार्रवाई जो है कई शिक्षकों और शिक्षक संगठनों को नागवार भी गुजर रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ शिक्षकों के ऊपर नकेल क्यों, विद्यालयों की व्यवस्था पर आखिर सुधार की ओर क्यों नहीं चर्चा की जाती, विद्यालयों की जो व्यवस्था है उस पर बात क्यों नहीं की जाती, विद्यालयों के आधारभूत संरचना पर बात क्यों नहीं की जाती, इन सब पर भी बात हो रहा है। के पाठक ने हाल फिलहाल ही निर्देश दिया है, लेकिन फिलहाल लगातार औचक निरीक्षण का दौर जारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।